नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं रेखा और बात होगी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप की, क्योंकि इतिहास रच दिया है महिला वर्ल्ड कप में अंडर 19 की जो खिलाड़ियां हैं उन्होंने, और फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हरा दिया है। महिला वर्ल्ड कप का खिताब इसी के साथ अपने नाम भारत ने कर लिया है। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को फाइनल मुकाबले में 7 विकेट से मात दी है। बता दें कि इंग्लैंड ने भारतीय टीम को 69 रनों का लक्ष्य दिया था और 14वें ओवर में ही भारतीय टीम ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। गेंदबाजों की बात की जाए तो गेंदबाजों ने भी कमाल दिखाया और भारतीय बल्लेबाजों ने भी शानदार अपना खेल यहां पर दर्शाया है। बीसीसीआई ने अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम के लिए 5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का भी ऐलान कर दिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बेटियों को जीत की बधाई दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वर्ल्ड कप विजेता टीम को बधाई दी है। तो शानदार खबर तो हमने आपको बता दी, लेकिन किस तरीके से जो ये खिलाड़ी हैं उनके घर वालों में खुशी का माहौल है, जश्न वो मना रहे हैं, सीधा वहीं आपको लिए चलते हैं। फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी संजीव इस वक्त मौजूद हैं सोनम के घर पर, और साथ ही साथ पार्श्वी के घर से हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकुल मौजूद हैं। सबसे पहले यहां पर फिरोजाबाद लेकर आपको चलते हैं संजीव के पास। संजीव, सोनम के घर में इस वक्त किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इतिहास रच दिया है, बधाइयों का तांता यहां पर हर तरफ से लग रहा है, प्रधानमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से भी यहां पर बधाई दी गई है। घर में कैसी माहौल है, कैसी तस्वीर है, ये भी जरा आप हमें दिखाएं। रेखा, दरअसल सोनम की मैं एक चंद शब्दों में एक कहानी बताता हूं। सोनम रहने वाली है टिपिकल गांव राजा के ताल की, और ये राजा के ताल जो गांव है इसकी कुल आबादी है 4000 की, और यहाँ पर जब मैच चल रहा था तो उस समय बिजली ही नहीं थी और टीवी भी नहीं है। लोगों ने सामूहिक रूप से चंदा करके एक चौराहे पे टीवी लगाया और तब जाकर मैच देखा। अब मैं बताता हूँ परिवार की। यहाँ मेरे साथ सोनम के पिता मुकेश हैं, उनकी बहन है, उनकी माँ है और उनके भाई हैं, और ये भाई मेंटर भी हैं। सोनम के पिता एक कांच के कारखाने में मजदूरी करते हैं और भाई भी मजदूरी करते हैं। सोनम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए इन्होंने 2-2 शिफ्ट में मजदूरी की, तब सोनम को यहाँ तक पहुँचाया है। आइए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी खुशी है। हालांकि चौराहे पर यहाँ इस गांव में जहाँ भी जाएंगे वहाँ लोग झंडे लिए हुए हैं, तिरंगे पटाखे चला रहे हैं, भारत माता की जय नारे लगा रहे हैं, लेकिन इनसे जानते हैं कि इनके लिए सोनम की खुशी या परिवार की खुशी क्या मायने रखती है। क्या नाम है आपका? अमन यादव। अमन, कितना बड़ा मुकाम आपकी बहन ने हासिल किया है और यहाँ तक पहुँचने में आपका रोल क्या रहा? रोल बहुत मेहनत करवाई मैंने, सुबह जाना, शाम को ले जाना, वापस पूरा दिन ग्राउंड पे उसी को उसी टाइम मेहनत कराना, फिजिकल है और नॉकिंग कराना सुबह शाम को, तो उनके कोच रवि यादव कराते थे सुबह में। 12 साल की जब सोनम थी तब से प्रैक्टिस कर रही है, अब वो 16 साल की हो गई, 4 साल हो गए। इधर देहात में उत्तर प्रदेश में ये माना जाता है कि पुरुषों का खेल है, लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे नहीं भेजते, कभी कभी देखा जाता है कि खेल के लिए भी नहीं भेजते हैं, तो आखिर ये सब हुआ कैसे? मैं पहले से ही जुड़ा हुआ था इस चीज से, क्रिकेट से पहले से जुड़ा हुआ था, तो सारी चीजें मुझे पता थी। मैंने घर वालों को बताया, घर वाले थोड़े एग्री, अपने ऊपर जिम्मेदारी ली मैंने, मैं इसका पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ खुद, जो भी होगा मैं करूंगा जो भी होगा। आप सोनम की माँ है, क्या खाना खिलाती थी आप सोनम को, कैसे रखती थी? क्योंकि मैंने देखा कि आप 10x10 का एक आपका कमरा है जिसमें 5 आपकी बेटियां हैं, एक बेटा, पति पत्नी दोनों रहते हैं। बिल्कुल संजीव, आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल मुकुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्श्वी के घर से यहाँ पर मौजूद हैं। मुकुल, पार्श्वी के घर वालों ने क्या कुछ कहा है इस जीत पर, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत ऐसे खेल में जिसको पुरुष प्रधान खेल कहा जाता है, कहा जाता है कि लड़कियों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है महिला क्रिकेट टीम को, लेकिन आज महिला क्रिकेट टीम की तरफ से ही एक कारनामा, ये कीर्तिमान रचा गया है, तो पार्श्वी के घर में क्या कुछ माहौल है इस जीत को लेकर? देखिए रेखा, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह से पार्श्वी के घर में पहले से ही तैयारियां चल रही थी, ढोल नगाड़े वाले बजाए रहे बुलाए हुए थे, और ढोल नगाड़े वालों ने जैसे ही 68 रन का लक्ष्य
भारत की टीम ने पार किया और यहाँ पर इतना बड़ा जश्न बनने लगा कि लोग बाग देखते के देखते रहे। पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर के सिकंदराबाद में पार्श के घर पे जो माहौल था उसे देखने के लिए आसपास के लोग भी आए हुए थे और यहाँ पर सड़कें जाम हो गई थी। हुआ क्या कि एकदम बारिश होने लगी, इतनी बारिश तेज हुई कि यहाँ पर लाइट भी थोड़ी देर के लिए चली गई और उसके बाद थोड़ा सा ये जश्न में खलल पड़ा, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ। इतने लोग उत्साहित थे, इनके मम्मी पापा और दूर दूर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, चंडीगढ़ और इनके दिल्ली से रिश्तेदार सारे आए हुए थे। इनके 40-50 रिश्तेदार यहाँ जुड़े हुए थे और जैसे ही जीते इनकी मौसी वगैरह, जो बुआ वगैरह है जो नोएडा जुड़ी हुई, जो नहीं आ पाई किसी वजह से, उन्होंने हंसी के आंसू निकाले, खुशी के आंसू निकालकर व्हाट्सएप कॉलिंग करके इन लोगों को बधाई दी, पार्श्वी को बधाई दी। ये सब लोग हमारे साथ हैं, पीछे हैं सारे लोग, जश्न में डूबे हुए हैं। और आप देखिए, इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ, सारा जश्न मना रहे हैं, अब भी जश्न मना रहे हैं, आज के सारे लोग। मुकुल, मैं चाहूंगी कि आप घर वालों से बात यहां पर करें कि अब जिस तरीके की जीत यहां पर हासिल की है भारतीय महिला टीम ने, अंडर 19 की टीम थी, उम्मीद थी कि इतना बड़ा कीर्तिमान पहले ही अब यहां पर रच दिया जाएगा, क्योंकि पहला संस्करण अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का महिलाओं में ये नजर ये था, तो पहले ही संस्करण में इस तरीके से भारत का झंडा यहां पर फहरा दिया जाएगा, उम्मीद थी इस बात की? देखा, दोबारा प्रश्न कीजिए। मुकुल, मैं आप चाहती हूँ कि आप परिवार वालों से यहाँ पर बातचीत करें, क्या उम्मीद थी जिस तरीके से आप यहाँ पर जो कड़ी मेहनत की थी कि इस मुकाम तक की मेहनत पहुंचेगी? गौरव जी, क्या उम्मीद थी कि आपके पहुंचेगी इतनी मुकाम पर ये टीम? नहीं नहीं, हमें पूरी उम्मीद थी, बल्कि हम तो शुरू से ही ये हिसाब लगा रहे थे कि बस कैसे ही करके ये मैच जो है पूरा हो, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद थी 100% ये टीम जीतेगी ही जीतेगी। बिल्कुल, संजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजीव हमारे साथ सोनम के घर से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से संजीव का रुख कर लेते हैं। संजीव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपसे चाहेंगे कि यहाँ पर जो सोनम के घर वाले हैं, भाई से आपने बात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कड़ी मेहनत की उन्होंने, ट्रेन यहाँ पर उनको किया, हालांकि परिवार व माता पिता की तरफ से पहले नहीं अग्री किया गया था कि वो खेले क्रिकेट, लेकिन कितना मुश्किल भरा सफर सोनम के लिए रहा, कितनी कड़ी मेहनत उनकी तरफ से की गई इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? मैं सीधे सीधे सोनम की माँ के पास चलता हूँ और माँ जी, आप ये बताएं, आपने मुझे बताया भी था कि क्या खिलाती थी, कैसे आपने मेहनत की और कैसे आप उसको दूध पिलाती थी और दूध गाढ़ा करके पिलाती थी, क्या पूरी ये कहानी है आपकी? हमारी यही कहानी है, हमने कही हमारी देखिए मेहनत करेगी तो हम अच्छा खिलाएं, अच्छा खिलाएं तो अच्छी तरीका से मेहनत करेगी तो अच्छी तरीका से हम। इसलिए लता, आपकी छोटी बहन है सोनम, किससे प्रभावित वो सबसे ज्यादा रही, कौन सा खिलाड़ी उसको पसंद आता था? जडेजा। अजय जडेजा, तो क्या इसीलिए वो स्पिनर बनी? रविंद्र जडेजा। इसीलिए वो लेफ्ट आर्म स्पिनर बनी? जी हाँ। क्या आपको उम्मीद थी कि सोनम एक दिन इंडिया की टीम में खेलेगी और वर्ल्ड कप लेके आएगी गर्ल्स वुमेन अंडर 19 का? हाँ, हमें पता था वो खेलेगी, हमें भरोसा था उसमें। कैसे, यहाँ तो आसपास की लड़कियाँ कोई खेलने जाती नहीं है? लेकिन वो तो जाती थी, भैया लेके जाते थे तो वो खेलती थी, तो हमने देखा था तो हमें लगा वो खेलेगी। सोनम, आपकी बेटी है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी, कैसे आपने उसको आगे बढ़ाने के लिए मजदूरी में डबल शिफ्ट में काम किया, क्या आपको भरोसा था कि लड़कियां इतना परचम लहरा देंगी देश में देश के लिए? जब वो U19 में सिलेक्शन हुआ था उसी समय मैं समझ गया था कि लड़की आगे चल के काम करे और वो उसी जगह पहुंच गई। तो मेहनत की, मैंने भी मेहनत की, उसने उसने भी मेहनत तौर पर। ये बड़ा कीर्तिमान महिला वर्ल्ड कप में यहाँ पर रचा गया है अंडर 19 टीम की तरफ से और जाहिर तौर पर जो परिवार वाले हैं उनमें खुशी का माहौल यह है, क्योंकि कड़ी मशक्कत जो की गई थी, कड़ी मेहनत जो की गई थी, उसका फल आखिरकार यहाँ पर मिल चुका है। इस बीच बता दें कि कप्तान शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की पहली बार यहां पर चैंपियन वो बन चुकी हैं और बेटी की उपलब्धि पर शेफाली का परिवार भी बेहद खुश है। देखिए, आज कैसा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है, आगे भी
अच्छा लगेगा। पहला टूर्नामेंट जीता है, पहला ही वर्ल्ड कप है, तो किस तरह कहेंगे आप, किन शब्दों में कहेंगे? मैं यही कहूँगी बेटा बहुत अच्छा रहा और आगे के लिए भी अच्छा ही रहे। और सबसे बड़ी बात ये है ये कैप्टन शेफाली जी। हाँ कैप्टन तो जबल्दी अच्छा है, पहली बार कैप्टन बनी, पहली बार ही वर्ल्ड कप आ गया। तो काफी स्ट्रगल किया है वो, थोड़ा सा बताइए। देखो जी पहले का स्ट्रगल तो हम याद नहीं करना चाहते, पर ये अब अच्छा ही होगा। तो कप्तान शेफाली वर्मा जिनके नेतृत्व में टीम उतरी थी और ये जीत, बड़ी जीत उन्होंने हासिल कर ली है, और उनके घर से हमारे सहयोगी सुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं। सुरेंद्र, बेटी की कामयाबी यहाँ पर पूरा देश इस वक्त देख रहा है, हर तरफ से बधाइयां आ रही हैं, परिवार वाले किस तरीके से इस जीत को मना रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो शेफाली वर्मा के नेतृत्व में एक जो कह सकते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता अंडर 19, तो वुमेन का वो खुशी का माहौल, जिस तरह से एकेडमी में उनके फादर काफी कह सकते हैं कि यहाँ जश्न का माहौल था, पूरी यहाँ मिठाइयाँ बटी थी, खूब यहाँ पर उनका मैच पूरा देखने के लिए, क्योंकि रोहतक से दो लड़कियां सोनिया और शेफाली, रोहतक की लड़कियां खेल रही थी टीम में और सबकी निगाहें आज के मैच पर थी, और जिस तरह से जीत हुई है काफी कह सकते हैं गर्व का पल है। और हमारे साथ जो शेफाली वर्मा के पिता हैं संजीव वर्मा जुड़े हुए हैं, सर जिस तरह से आज शेफाली ने एक कारनामा करके दिखाया उनकी कप्तानी में, जो भारत को वर्ल्ड कप जीता, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी बधाई दी है, क्या कहेंगे अपनी बेटी को? मैं बहुत बहुत बधाई पूरे देश को ही दूंगा और BCCI बोर्ड को दूंगा कि उसको कैप्टनशिप दी और वो खरी उतरी है, और उनसे सबसे बड़ी बधाई इनको दूंगा क्योंकि ये श्री राम नारायण क्रिकेट अकेडमी जो है जहाँ से शेफाली की शुरुआत हुई है इन्होंने बहुत मेहनत कराई है, और हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने बहुत मेहनत कराई है, हमारे बाबू जी हैं और रणबीर महेंद्रा बाबू जी हैं और अनिरुद्ध सर हैं, अश्वनी सर, अनिश सर हैं और हमारे कोचिज हैं, उन्होंने बहुत मेहनत कराई है शेफाली के ऊपर, और उसी का ही परिणाम है जो वो आज यहाँ वर्ल्ड कप में कैप्टनशिप मिली। आज मैच जैसे शुरू हुआ तो कितनी उम्मीद जग रही थी आप लोगों को आज? हाँ, बहुत उम्मीद थी जी, और कल भी बात हुई थी मेरी शेफाली से तो मैंने उसको यही बताया था कि भाई टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, और चार पांच बैट्समैन हमारे फॉर्म में भी थे और बॉलर भी तीन चार बैट्समैन वो फॉर्म में थे, तो उन्होंने सारा टीम वर्क हुआ और उसी का ही नतीजा है जो आज वर्ल्ड कप टीम वर्ल्ड कप जो इंडिया में आया है, फर्स्ट टाइम आया है, और मैं तो ये कहूँगा अगले मंथ की वर्ल्ड कप सीनियर है वो भी इंडिया में ही आए, तो एक किस्म से बोनी तो हो गई। सुरेंद्र, ये जानना चाहेंगे कि उम्मीद करते हैं कि शेफाली जो फरवरी में जिस वर्ल्ड कप का जिक्र यहाँ पर किया है विमेंस टीम का, उसमें भी क्योंकि इस ये जो टीम है यहाँ से कुछ खिलाड़ी जाने वाले हैं, तो शेफाली की जो तैयारी है क्या लगता है कि वहाँ पर भी भारत का परचम यहाँ पर लहरा पाएंगी या उनको शामिल किया जाएगा उस टीम में? जी बिल्कुल, जिस तरह से आप बात कर रहे हो कि फरवरी में जो सीनियर का वर्ल्ड कप, उसमें भी क्या शेफाली वर्मा को शामिल करने की आप लोगों को उम्मीद है, और उस तरह की कितनी आप लोगों को उम्मीद लग रही है? नहीं, शामिल है वो टीम में है, उसका अनाउंस हो चुका, वो तो अभी 19 में भी दिखती नहीं तो ट्रायंगुलर सीरीज चली हुई उसमें भी खेलती, और वर्ल्ड कप में तो नाम उनका आया हुआ है। गुड्डी गुड्डो के साथ खेलने के लिए उम्र होती है 8 साल की, बताया परिवार वालों की तरफ से हमें जानकारी मिली कि 8 साल में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया हाथ में बैट, नहीं मतलब उसने स्ट्रगल किया इस बारे? स्ट्रगल तो बहुत हुआ है जी, लेकिन देखो स्ट्रगल तो हर खिलाड़ी ही के जीवन में होता है, और स्ट्रगल करके ही प्लेयर, स्ट्रगल और वो मेहनत आज रंग लाई है। सुरेंद्र आपके पास दोबारा लौटेंगे, फिलहाल मुकुल भी हमारे साथ पार्श्वी के घर से मौजूद हैं, सीधा उनका रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। मुकुल, कई खिलाड़ी इस टीम के ऐसे हैं जो कि फरवरी में होने वाली विमेंस वर्ल्ड कप टीम में भी शामिल होने वाले हैं, तो ऐसे में अब पार्श्वी के घर वालों से यहाँ पर आप जरूर जानिए कि जो आगे का जो फ्यूचर रोड मैप है वो किस तरीके का है, क्या वो चाहते हैं कि आगे जो बेटी है वो किस तरीके से आगे प्रदर्शन करें, क्योंकि आईपीएल भी, अब विमेंस आईपीएल भी आने वाला है, वर्ल्ड कप आने वाला है, कई सारे हैं कि अब क्रिकेट फॉर्मेट ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को अब तवज्जो दी जा रही है, तो इस बारे में उनके परिवार वालों का क्या कहना है, कैसा फ्यूचर वो अपनी बेटी के लिए आगे देख रहे हैं? देखिए पार्श्वी का एक भाई भी है जो भी अभी अंडर 16 में ट्रायल में आ चुका है, और वो भी लगभग 40 बच्चे जो 15 सेलेक्ट हुए थे उसमें सेलेक्ट हो चुका है। इसके फादर, इसकी मदर क्रिकेट को बहुत लाइक करते हैं, और फादर तो क्लब में खेल भी चुके हैं,
पूरा परिवार क्रिकेटर है, इनके दादा जो परशुराम चोपड़ा है एक एकेडमी भी चलाते हैं और उस एकेडमी में क्रिकेट से सिखाने से लेकर वॉलीबॉल बास्केटबॉल ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने 16 कोच रख रखे हैं अपने यहाँ पर और 16 के 16 कोच अलग अलग गेम्स के हैं और इन्हें ये सिखाते हैं बच्चों को। और इनकी ये बेटी पार्श्वी थी, शुरू से ही बचपन से ही लगातार इस गेम में बहुत इंटरेस्टेड थी, फादर ने इनके बहुत पेन लिया इसको सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मदर ने शिक्षा के साथ साथ बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए कभी कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि तुम खेल में मत जाओ। मुकुल जैसा आप बता रहे हैं कि पूरी फैमिली एक तरीके से यहाँ पर क्रिकेट में रमी हुई है, हर कोई यहाँ पर क्रिकेट के बारे में जानता ही है, तो मैं चाहूंगी जैसे कि आपने बताया कि फादर यहाँ पर काफी अलग अलग तरीके से क्लब के लिए भी खेल चुके हैं और कोचिंग भी यहाँ पर अपनी बेटी को उनकी तरफ से दी गई है, तो बेटी के फ्यूचर को लेकर किस तरीके की प्लानिंग वो कर रहे हैं आगे पार्श्वी को लेकर? मैं चलता हूँ इनके फादर के पास ही और पूछता हूँ कि किस तरीके से आप पार्श्वी को आगे बढ़ाने के लिए आगे की कोचिंग के लिए किस तरीके से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और वो अंडर 19 से सीधे डायरेक्ट महिला टीम में शामिल हो इसके लिए आप क्या करेंगे? पार्श्वी ने और पार्श्वी के जो टीम के मेंबर्स हैं उन्होंने परफॉर्म तो बहुत अच्छा करा है और बाकी कोशिश तो यही है कि अभी इसको और मेहनत कराएंगे और मेहनत कराते हुए देखते हैं कि कहां तक पार्श्वी आगे जाती है, पूरी कोशिश करेंगे कि वो सीनियर टीम में जल्दी से जल्दी आए। मुकुल आईपीएल भी शुरू होने वाले हैं महिलाओं के, तो उसको लेकर भी यहां पर सर आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि महिला आईपीएल भी जल्दी शुरू होने वाले हैं, तो आप चाहते हैं कि पार्श्वी उसमें भी खेले, वहां पर भी एक तरीके से अब जो अपने एक्सपीरियंस है उसमें उस बढ़ोतरी करें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और ये बड़ी खुशी की बात है, हमारे बच्चे हम मानते हैं बहुत लकी हैं कि पहली बार ये अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें विनर रहे हैं, पूरे विनर टीम के मेंबर रहे हैं और अब आईपीएल भी पहली बार ही होने जा रहा है और उम्मीद करते हैं भगवान ने चाहिए तो उसमें भी नाम जल्दी ही आएगा। तो सर आपको कहीं ना कहीं अब यहाँ पर लगता है क्योंकि पहले हम कहते थे क्रिकेट का नाम आता था तो सीधे मेंस टीम दिमाग में आती थी, भारतीय टीम यानी कि मेंस टीम, महिलाओं को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये चलन बदल रहा है, चेंज हो रहा है और महिलाओं को तवज्जो दी जा रही है, तो इसको लेकर थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी, क्या आप समझते हैं कि हाँ अब समय बदल रहा है और बेटियां भी अब आगे बढ़ रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं? नहीं नहीं, अब बहुत चेंज आ गया है, अब वुमेन्स क्रिकेट का लेवल काफी ऊपर चला गया है, पहले अकेडमीज में एक आध लड़की नजर आती थी कभी किसी अकेडमी में जाओ तो, अब हर अकेडमी में 15 से 20 लड़कियां प्रैक्टिस करती हुई दिखाई देती हैं जो कि बहुत अच्छा फ्यूचर है आने वाले टाइम में भी, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बच्चे अंडर 19 के जो बच्चे जिन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता है ये आगे भी देश का नाम सीनियर में आके भी खूब रोशन करेंगे। पार्श्वी की एज क्या है सर अभी और किस तरीके से आप की तरफ से तैयारी की जा रही है क्योंकि इस टीम की कई सारी खिलाड़ी ऐसी हैं जो कि अब फरवरी में होने वाले वर्ल्ड कप में भी हैं, तो पार्श्वी को लेकर थोड़ा मैं जानना चाहूंगी उनकी प्रिपरेशन किस तरीके से आपने की और क्या आगे आप करने वाले हैं कि बेटी आगे जो महिला वर्ल्ड कप की टीम है उसमें भी कभी शामिल हो सके? जी जी देखिए, पार्श्वी की प्रैक्टिस में मैंने कभी कोई कमी नहीं आने दी, मेरे फैमिली का पूरी फैमिली का इसके चाचा का इसके दादा का पूरा सबका ही बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा से ही, तो हमने इसकी प्रैक्टिस में कभी कमी नहीं आने दी। कोरोना के टाइम पर जब पूरी दुनिया रुक गई थी जब भी हमने इसकी प्रैक्टिस में कोई भी रुकावट नहीं आने दी, पूरा एक एक चीज का अरेंजमेंट रखा हुआ था और उसी का ही नतीजा है आज पार्श्वी वर्ल्ड कप का हिस्सा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ सुरेंद्र भी शिफाली वर्मा के घर से जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र आपके पास आना चाहूंगी और सवाल उनके घर वालों से ही मैं करना यहाँ पर चाहूंगी कि किस तरीके से शिफाली का जो ये सफर रहा है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर जानना चाहूंगी क्योंकि नेतृत्व उन्होंने एक टीम का किया और पहली बार यहाँ पर अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ और उसी में जीत हासिल करवा ली है, तो एक प्रेरणा एक तरीके से आने वाली पीढ़ी के लिए या जो जो क्रिकेटर्स बन रही हैं, जो महिला क्रिकेटर्स के रूप में आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए उन शिफाली की कहानी वाकई में प्रेरणा पूर्वक होगी, तो चाहेंगे कि किस तरीके का सफर रहा यहां तक का शिफाली का, उनके परिवार वालों से आप जरूर जानें। सुरेंद्र आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी 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 तो शेफाली जी, के उनके सफर के बारे में जानना चाहेंगे। जी 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 उनके पिताजी हैं और जी जिस तरह से शेफाली का कह सकते हैं कि 8 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट शुरू कर दिया था एक सफर और जिस तरह से एक हरियाणा में इस तरह की जो है तो किस तरह का उसने शुरुआत की थी। शुरुआत तो मैं ये लगा लो कि छोटी एज में ही जैसे घर से शुरू हुआ गली से हुआ शुरू फिर थोड़ा ग्राउंड में हुआ शुरू फिर थोड़ी हमने प्रैक्टिस कराई फिर जैसे जैसे उसकी मूवमेंट बढ़ती गई फिर हमने यहाँ श्री राम नारायण क्रिकेट अकेडमी में इसका ज्वाइन कराया और वहाँ पे यहाँ आने के बाद फिर उसमें जितने भी कोचेज उन्होंने बहुत मेहनत की और उन्हीं का ही नतीजा था आज वो यहाँ। अच्छा एक बताया जा रहा है कि लड़के के कटिंग करवा के खेली है इस तरह से भी कोई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो था पहले का पहले की बात है जब वो 10 ईयर 11 ईयर के आसपास की बात है तो हमने कराया था तो बोला गया था कि भाई इसके बेस पे ही ये लड़कों के साथ भी खेल लेगी और ज़्यादा क्रिकेट मिल जाएगा ही तो हमने कटिंग कराई थी और उसके अकॉर्डिंग हमें फिर वो फायदा भी हुआ लड़कों के साथ भी खेलने का मौका मिला और उसी का ही फायदा भी मिला और आज भी यहाँ अकेडमी आती है तो उसका लड़कों के साथ ही प्रैक्टिस। तो लड़कियों को ज़्यादा क्रिकेट है जो कह सकते थे कि जो आदमियों का है पुरुषों का गेम है उसमें लड़कियाँ क्या करेंगी लेकिन जिस तरह से अभी शेफाली ने क्या तो कभी सोचा था कि मेरी बच्ची भी इस तरह क्रिकेट खेलेगी और उस तरह का मुकाम हासिल करेगी। हाँ मेहनत तो देखो करनी पड़ती है लेकिन जैसे मिताली राज थी और हरमन थी हमने खूब मैचेस दिखाए इसके भी शेफाली को और उसके अकॉर्डिंग ही हमने भाई कि भाई लड़कियों की भी टीम है तो हम मेहनत करेंगे तो पहुंच सकते हैं यही बताते रहते हैं कि मेहनत करेंगे तो पहुँच जाएंगे कोई दिक्कत नहीं तो मेहनत का ही नतीजा है और यहाँ पहुँच। जो लड़कियाँ रोहतक से खेली हैं सोनिया और जिस तरह से शेफाली आप कोच हो उनको किस तरह से तराशा और क्या उनमें हुनर दिखाई दिया आप लोग। ये शुरू से ही अच्छा खेलती है शेफाली सोनिया भी और कोचिज ने बहुत मेहनत करी है दोनों के ऊपर ही और जितने भी और गर्ल्स हैं हमारे पास जितनी भी और गर्ल्स हैं सभी के ऊपर और ज़्यादा मेहनत किया शेफाली से और जितनी भी और गर्ल्स हैं छोटी हैं बड़ी हैं थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलती है हर एक चीज का वर्ल्ड कप जीता है एज ए कैप्टन हो रही है तो मोटिवेशन हर एक को मिलती है। जो हरियाणा है वो लड़कियों के लिए खासकर जो पढ़ाई लिखाई के ना कुछ ना महोजनी रखती है उसमें जो है गांव के देहात की जो लड़कियां हैं वो भी आगे आ रही इस तरह से देखते पहले कुछ तरह का कोई देखिए मैं इतना ही कह पाऊंगा कि भाई हमारे लड़के छोरों से कम है। बिल्कुल, जी बिल्कुल ये कह रहे कि हमारी छोरिया के छोरे से कम है और जिस तरह से शेफाली ने जो वो किया है वो काफी काबिले तारीफ। बिल्कुल थोड़ा सुरेंद्र ये भी आप पूछे कि प्रेरणा किससे मिली किसको देखकर लगा शेफाली को कि हाँ मुझे भी क्रिकेटर बनना है मुझे भी क्रिकेट में जाना है क्रिकेट में ये मुकाम हासिल करना है आइडल कौन रहा उनका क्रिकेट में। जी उनके फादर से बात करते जी जिस तरह से जो शेफाली थी शुरू में वो किसको अपना आइडियल मानकर चल रही थी किसको मतलब प्रेरणा मानती है उसको क्योंकि मैं जो इसलिए खेल ज़्यादा क्रिकेटर जो है वो पसंद करती थी। हम देखो हम शुरू से ही सचिन तेंदुलकर के फैन रहे हैं और उसको खूब मैचेस दिखाए शेफाली को और जहाँ यहाँ रोहतक भी आए थे सचिन सर जो रणजी मैच लास्ट था तो वहाँ तो इसका देखने के बाद तो अलग ही मूवमेंट हो गया था सारा कुछ तो वहाँ से बहुत इंस्पायर हुए थे सचिन सर के साथ और ये समझ लो कि जब वो आए थे तो पूरा रोहतक ही वहाँ पे झूमा हुआ था और बस बेटी को एंट्री करा के और यही था कि दिखाना एक बार सचिन सर को भी जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ भी सुबह शाम दिखाना तो और जो रणजी प्लेयर जैसे रोहतक में मैच हरियाणा वर्सेस जिसका भी होता था तो हम वो दिखाते थे शेफाली को और सुबह सुबह हम फोटो भी खिंचवाते थे कई प्लेयरों के साथ फोटो भी खिंचवाया गया है तो कर्नाटक है तमिलनाडु है इनके जो प्लेयर्स हैं उनके साथ भी हमने बहुत ही इसके फोटो खिंचवा रखे हैं तो अब उसी को देख के ही फिर आगे बढ़ता है बच्चा। उनकी क्या दिनचर्या रहती है घर पे किस तरह की प्रैक्टिस करते कितने घंटे प्रैक्टिस करते। देखो अब तो ये ज़्यादातर तो
आउटसाइड ही रहती है, लेकिन उस टाइम पहले की बात है, उस टाइम तो क्रिकेट ही था, एनीथिंग था। सुबह ये समझ लो गर्मियों में 5:30 ग्राउंड पहुंच जाना है, सर्दियों में 6:30 बजे के बाद पहुंच जाना है, और जैसे दिन निकलता वैसे ही फिर उसके बाद इसको क्लास में जाना, उसके बाद फिर अकेडमी है, फिर रात को घर पे आके करना है, तो ज्यादातर क्रिकेट का ही बेस रहता। कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत, जिसका फल आज यहाँ पर मिल चुका है शिफाली वर्मा के घर को भी और देश को भी गर्व इस वक्त हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जीत यहाँ पर हासिल की है, एक बहुत अहम भूमिका यहाँ पर निभाई है इसमें बल्लेबाजों ने भी, और उन्हीं बल्लेबाजों में से एक है सौम्या तिवारी। सौम्या ने फाइनल मैच में 37 गेंदों पर महत्वपूर्ण नाबाद 24 रन बनाए। वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में बेटी के शानदार प्रदर्शन से पूरा परिवार गदगद है। अब इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि बर्दाश्त के बाहर हो रही है। बच्ची अच्छा खेली आज, उसका सपना था कि वर्ल्ड कप खेलना है, लेकिन जीत के भी आ गई, उसने जितवा लिया फाइनल मैच को, जितवा लिया उसने अपने, टिकी रही एक जगह, एक 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 शोर बिल्कुल संभाले रखा उसने, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। जो उसका सपना नहीं, साथ में मेरा सपना भी पूरा हो गया है, और आज कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे, आपने मैच नहीं देखा पूरे टाइम? नहीं, मैं उसका मैच कभी देखती ही नहीं हूँ। अब बाद में मैं भले रिकॉर्डिंग देख लूंगी, बस भगवान ने सुन ली। आप पूजा कर रही थी वाला टाइम, क्या कामना कर रही थी? बस यही कि मेरी बेटी जीत के आए। आपसे बात लगातार होती रहती होगी, क्या कहती हैं? और वो कि अब वो कुछ नहीं, वो बस क्या कहती हैं कि अब तो उनका सपना पूरा हो गया? बस वो कहती है मम्मी आप मत घबराओ, मैं कप लेके आऊंगी। हर मैच में उसका यही एक जवाब रहता है। आज के परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहेंगे, पूरा परिवार खुश है? अब क्या चाहते हैं? मैं भी खुश हूँ, मैंने मैच तो नहीं देखा लेकिन जो सुना है उससे मैं बहुत खुश। ये खुशी के आंसू है, जो उसका सपना था वो पूरा हुआ, तो उसी के लिए, और उसने जो सोचा था वो उसने कर लिया। सौम्या की खुशी में तो हम सभी खुश होंगे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको ये देख करते हुए देख के। मेरी उसकी मैच से 10 मिनट पहले ही बात हुई थी, बता रही थी कि दीदी मैं नर्वस हूँ, पर उसने बहुत अच्छे से खेला, हमें बहुत खुश। मेन सीनियर टीम इंडिया में हम उसको खेलते हुए देखना चाहेंगे। विमेन्स का फर्स्ट वर्ल्ड कप है यहाँ पे, और पहला वर्ल्ड कप इंडिया जीती, इतनी खुशी हो रही है। उसको तो हो ही रही होगी, हमारी भी खुशी नेक्स्ट लेवल है अभी, बिल्कुल कुछ मतलब खुशी अपनी बयां ही नहीं कर सकते, बहुत अच्छी, बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुरुआत में लग रहा था विकेट जैसे गिर रहे थे कि कठिन स्कोर है, लेकिन वो एक हैंड संभाले रखी और आप लगातार उनके साथ रही हैं, तो किस तरीके से प्लानिंग करती हैं, कैसे खेलती हैं, क्या बातचीत बता रहे? उसकी पूरी स्ट्रैटेजी रहती है, वो तो पूरी कोशिश, हर प्लेयर पूरी कोशिश करता है कि वो बहुत ही अच्छा खेले बिना आउट हुए, और लेकिन आज तो सौम्या ने बहुत बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया खेला, मतलब दिल खुश हो गया आज तो। तो चलिए देखिए, खुशी का ठिकाना जाहिर तौर पर जो परिवार वाले हैं उनका नहीं है, सौम्या के ये परिवार वाले थे और हर कोई खुश नजर आ रहा है। उम्मीद नहीं थी कि पहली बारी में ही जो फॉर्मेट है ये Under-19 T20 विमेन्स वर्ल्ड कप का पहला ये संस्करण था, यानी कि पहली बार ऐसा हो रहा था और पहली बार में ही भारत ने अपना परचम लहरा दिया है, तो जाहिर तौर पर खुशी का माहौल हर जगह है, बधाइयां हर तरफ से आ रही हैं और परिवार में भी जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सीधा इस वक्त बुलंदशहर आपको लिए चलते हैं और वहां पर जानते हैं कि जो खिलाड़ी हैं उनके परिवार वालों के बीच किस तरीके का जोश जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है। जी मैं बताऊं रेखा, अभी भी जोश और जश्न अपने पूरे शबाब पर है, ये जश्न रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जश्न जो है महिलाओं में, यानी कि उसकी मदर साइड्स में है, और ये देखिए जश्न का शोर, ना तो यहाँ महिला कम है किसी मामले में, ना पुरुष कम है, पार्श्वी का पूरा परिवार है, पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी है, दूर दूर से आए हुए हैं और सारे के सारे जश्न में डूबे हुए हैं। सुबह से जब से ये 7:30 बजे के बाद मैच का विनिंग का अनाउंसमेंट हुआ, तभी से ही ये लोग नाचते नाचते अभी तक थके नहीं हैं, और ढोल वाले बाकायदा आ चुके हैं और ढोल बजा रहे हैं लगातार, और उनसे देखिए कि किस तरीके से व्यवहार जो है, आप अभी देखिए जरा सा इनका ढोल किस तरीके से बज रहा है, और ढोल वाले भी अब जो है जाकर नीचे चले गए हैं और ये डांस में लगे हुए हैं। मनेगा क्योंकि अब जश्न मनाने का मौका दिया है घर की बेटी ने, इंग्लैंड को हराकर एक बड़ा इतिहास यहां पर रच दिया है। मुकुल कोई शक नहीं इस बात में,
पहला अंडर 19 फॉर्मेट, पहला अंडर 19 फॉर्मेट जिसमें उत्तर प्रदेश की 3-4 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, भारत ने पूरा इसे जश्न से मनाया और जीता। पहली बार दुनिया में नाम हुआ, पहली बार दुनिया में नाम हुआ, और उसी दुनिया का नाम में ये युवा छोटे बच्चे बड़े सब देखिए क्या जश्न का माहौल है। ढोल वालों के साथ साथ ये जश्न कर रहा है, ये थकने टीवी पर चलने का भी इतना ही शौक है, मजा आ रहा है ये दस्त देख कर, ये चीज देख कर, और दुनिया भर के लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके पड़ोसी आ के बधाई दे रहे हैं, दूर दूर से कॉल आ रही है उनको बधाई देने के लिए, लेकिन ये जश्न मना रहे हैं, लोगों की बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं, सभी लोगों से बच्ची को पाश्री को आशीर्वाद भी मिल रहा है। आज भारतीय की परफॉर्मेंस ने अकेले नहीं कमाल कर दिखाया, पूरे टूर्नामेंट में गजब तक दिखाया, फिर की गेंदबाज और बुमरी गेंदबाज बिल्कुल। तो जश्न यहाँ पर परिवार में पार्श्वी के घर में मद्दा नजर आ रहा है, और साथ ही साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका रुख यहाँ पर हम करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो परिवार वाले हैं खुशी मना रहे हैं अपनी बेटी की देश की जीत की। यहाँ पर मुकुल मैं चाहूंगी थोड़ा सा यहाँ पर आप किसी को माता पिता भाई बहन जो भी यहाँ पर हैं पार्श्वी के उनसे यहाँ पर जाने की, बेटी जब वापस आएगी जब वतन लौटेगी ट्रॉफी लेकर तो किस तरीके से स्वागत उसका किया जाएगा, क्या तैयारी अब वो करने वाले हैं अपनी बेटी के स्वागत की इस बड़ी जीत के बाद। अभी इससे हमारी बात हुई थी, इनका कहना था कि देर रात वहाँ पर बात हो पाएगी क्योंकि इंग्लैंड में अभी दिन निकला हुआ है, मार्च की बार सेलिब्रेशन में है, उससे बात नहीं हो पाई, उसका मोबाइल के पास फोन नहीं है, अभी जब उससे मोबाइल पे बात होगी तब पता चलेगा। पहले तो बताया गया कि मुंबई में जश्न बनेगा, मुंबई में बेहतरीन जश्न बनेगा, पहले मुंबई में रोड शो होगा, अंडर 19 जो भी बच्चियां पार्टिसिपेट कर रही थी वहां पर भारत का परचम पहले तो इंग्लैंड में लहराया गया और अब जाके पहले मुंबई में लहराया जाएगा, उसके बाद वो 3-4 दिन में शायद यहाँ इंडिया पहुंचेगी और फिर सिकंदराबाद आएगी। जश्न की पूरी तैयारी है, पूरे यहाँ पर माहौल बना हुआ है और यहाँ की एकेडमी, यहाँ के बच्चे, यहाँ के छात्राएं, छात्र, युवा वर्ग, महिलाएं, पुरुष, वृद्ध सभी लोग पार्श्वी का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जब घर आएगी पार्श्वी तो क्या कुछ खास पसंद है पार्श्वी को, ये थोड़ा आप जाने घर वालों से। साथ साथ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्या पुरुष है, क्या महिला है, क्या रिश्तेदार है, इनके सब जश्न में डूबे हुए हैं, सब जश्न में डूबे हुए हैं, और ये जश्न शायद कल तक मने या परसों तक मने या पार्श्वी के आने तक मने, ये बधाइयों का दौर चलता रहेगा। रेखा बिल्कुल, पार्टी पूरी रात चलेगी और यहाँ पर बेटी ने मौका दिया है इस जश्न को, इस पार्टी को करने का, तो जाहिर तौर पर घर वाले हम चाहते हैं कि तस्वीरें इस वक्त आप देखें कि किस तरीके से घर के जो सदस्य हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर एक साथ बेटी के जीत के इस जश्न को मनाने के लिए, और जब वापस लौटेगी तो जाहिर तौर पर जो खुशी है वो और दोगुनी हो जाएगी, कब अपने हाथ में लेकर आएगी बेटी, और उस बेटी इंतजार अब इन घर वालों को है। भारत की इंग्लैंड पर बता दें कि 7 विकेट से जीत यहां पर हुई है, और हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। नितिन आप कहां पर, कौन से खिलाड़ी के घर पर मौजूद हैं, और चाहेंगे कि अब जो घर वाले हैं इस बड़ी जीत को लेकर किस तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये इनॉग्रल आपका टूर्नामेंट था, और जिस तरीके से इस भारतीय टीम का मैं आपको थोड़ी शुरुआत में लेकर चलता हूं, जब इस टीम का सिलेक्शन हो रहा था बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनके नाम यहां पर थे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने उन कुछ 15 खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया, जिसमें शेफाली वर्मा जो कि इस टीम की कप्तान है उनके ऊपर में ये भरोसा दिखाया कि उनको यहां पर कप्तानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि शेफाली वर्मा जो है ऑलरेडी 2 फाइनल्स खेल चुके थे, एक कॉमनवेल्थ गेम्स का, दूसरा T20 वर्ल्ड का, ऑलरेडी उनके पास एक अनुभव था। उसके बाद टीम का सिलेक्शन होता है, टीम जाती है यहां पर, टीम एक यूनिट की तरह काम करती है। मैं आपको ये बता दूं कि ऋचा घोष जो कि एक सीनियर मेंबर की जो है टीम की मेंबर है,
वो इस टीम में शामिल थी और जिस तरीके से पूरी टीम ने यहाँ पर जो है अपनी जर्नी की शुरुआत की थी वो काबिले तारीफ थी। एक सिर्फ मुकाबला ऐसा आया था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऐसा लग रहा था कि शायद हम अब यहाँ से हमारे लिए दौर मुश्किल होगा, लेकिन इस टीम ने उस मुकाबले को भी जो है ओवरकम किया और अपनी इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखा। जब कल शेफाली वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी उनकी बातों से ये झलक रहा था कि इस टीम के अंदर में वो जज्बा है जो कि भारतीय लोगों को, भारतीय प्रशंसकों को, जो भारतीय जो लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उनको ये मौका जरूर देंगी कि वो अपने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को सेलिब्रेट कर सके और वो मौका अब आ चुका है। ऐतिहासिक पल है, बीसीसीआई की तरफ से भी जो है तमाम जो है अवार्ड्स की रिवॉर्ड की जो है वो घोषणा की गई है। सेक्रेटरी जयशाह उन्होंने जो है ट्वीट किया और बताया कि पूरी टीम को जो है 5 करोड़ रुपए का इंक्लूडिंग सपोर्ट स्टाफ रिवॉर्ड दिया जाएगा। 1 तारीख को उन्होंने पूरी टीम को अहमदाबाद बुलाया है मैच देखने के लिए। तो ये बड़ा पल है क्योंकि यहाँ से रख दिया गया है इतिहास। आप ये देखिए कि विमेंस क्रिकेट के लिए इससे बड़ा पल हो नहीं सकता है। एक एक खिलाड़ी, मैं श्वेता की बात करूं, मैं अर्चना की बात करूं, आप शेफाली को ले लीजिए, आप ऋचा घोष को ले लीजिए, आप अतीजा को ले लीजिए, एक एक खिलाड़ी ने अपना 100% यहाँ पर दिया है और जिस वक्त का, जिस पल का, जिस लम्हे का इंतजार था आज इस टीम ने वो करके दिखा है। इससे बड़ा पल कोई नहीं हो सकता भारतीय महिला क्रिकेट में। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आज से पहले कब, मतलब इतिहास देख ले महिला क्रिकेट टीम की हम बात कर रहे हैं तो इतने बड़े फॉर्मेट में ट्रॉफी अभी तक नहीं आई थी, लेकिन पहला ही ये संस्करण था T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप का, महिला टीम उतरी और परचम लहरा दिया और इतिहास रच दिया अपने आप में। एक बिल्कुल बिल्कुल इतिहास है और मैं बोलूंगा कि देखिए ये जो साल है ना ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही बेहतरीन साल है, चाहे आप मेंस क्रिकेट को देख लें चाहे विमेंस क्रिकेट को ले, और स्पेशली चूंकि इन लड़कियों ने, इन महिलाओं ने, हमारे खिलाड़ियों ने जो इतिहास रचा है ये इसको कोई भूल नहीं सकता। अंडर 19 क्रिकेट में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये पहला ऐसा मौका था जब भारतीय टीम वहां पर गई थी, इनॉगरल सीजन था। और शेफाली की बात देखिए, मुझे शेफाली की वो बात याद आती है जो हमेशा वो कहती है, टीम की कप्तान है, वो उनका ये कहना था कि मेरे पिता जब मुझसे बात करते थे बोलते थे कि जब मैं अंडर 19 क्रिकेट खेलूं तो ट्रॉफी के साथ ही घर आऊं। तो कहीं ना कहीं शेफाली ने अपने पिता का वो सपना भी पूरा किया है और शेफाली के यहां तक पहुंचने में उनके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए रोहतक से आती है, वो हरियाणा का एक छोटा सा गाँव है और वहां से निकलकर आके यहाँ पर टीम की कप्तानी करना, टीम को जिताना, ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी बात है। और आप ये देखिए कि भारतीय क्रिकेट का जो इतिहास रहा है, एक वो वक्त भी था जब बीसीसीआई के अंडर में टीम नहीं आती थी, स्ट्रगल करना पड़ा था अपने आप को जो है बताने के लिए, साबित करने के लिए हमारे अंदर में वो काबिलियत है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अगर इतिहास आप उठाकर देखेंगी तो आपको डायना रेड्डी जैसी बड़ी खिलाड़ी मिलती है, आपको शांता रंगास्वामी जैसी बड़ी खिलाड़ी मिलती है, उसके बाद मिताली राज आती है, उसके बाद झूलन गोस्वामी आती है, तमाम ऐसे जो खिलाड़ी आते हैं, लेकिन इन लड़कियों ने अंडर 19 की जो टीम ने आज किया है वो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और साथ ही साथ आगे आने वाले वक्त में जो नए लड़कियां जो है हमारी जो महिला खिलाड़ी निकल कर आएंगी वो इसे सीख लेंगी, भारत की छवि को ग्लोबली आज इन जो है हमारी टीम ने पहुंचा दिया है, एक बड़ा मैसेज दिया है इस वर्ल्ड कप को जीतकर। बिल्कुल नितिन, आपके पास आऊंगी फिलहाल दिल्ली से श्वेता शेरावत के घर से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे खास बातचीत यहां पर हमारे सहयोगी ने की है कि इस जीत के बाद श्वेता शेरावत के घर में क्या कुछ कहना है उनके माता पिता का, उनके भाई बहनों का, आइए दिखाते हैं आपको। देखो खेल तो डेफिनेटली और सकती थी, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि नहीं खेल सकती थी, बट इन द एंड कप तो हमारा ही आया है तो ठीक है, बाकी सब भी अपने ही है, बाकी सब भी एक तरीके से मेरी बहन ही है तो व्हाई नॉट, श्वेता लाए कोई और लाए, आई मीन बाकी सब ने आगे बहुत अच्छा स्टैंड दिया, कूडोज टू त्रिशा एंड सौम्या, सो दिस वॉज अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस बाय द एंटायर टीम। लाइक जब एकदम से जब जीते थे मैं पहले कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था, लाइक हुआ क्या, एकदम से जीत गए, लाइक हमने बस सोचा था कि ऐसे कि क्या होगा, ऐसे वर्ल्ड कप होगा, और फिर एकदम से हम टीवी पे देख रहे हैं और फिर जीत भी गई, लाइक एकदम से रियलिटी में आया तो फिर लाइक पता भी नहीं चला, इतने एक्साइटेड थे, इतना खुश हुआ मैं सर, इतने खुश थे हम सब लोग। हमें सेलिब्रेट के लिए प्लानिंग तो बहुत करी है, लाइक वी आर थिंकिंग कि कहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, लाइक एयरपोर्ट से कैसे लेंगे, क्या क्या होगा, लाइक सबसे पहले तो आएंगे तो फिर कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, थैंक यू बोलूंगा उनको मैं सबसे पहले कि इतना अच्छा खेला, सबने इतना अच्छा खेला। And yes, that's it.
तो सरियल, यानी कि बिलीव नहीं हो रहा था किसी को कि जीत यहां पर हासिल हो चुकी है इतनी आसानी से, क्योंकि शानदार प्रदर्शन यहां पर भारतीय टीम की तरफ से किया गया। नितिन, यहां पर अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस को लेकर आपसे जाना होगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा टारगेट यहां पर नहीं दिया था, बल्लेबाजी भी अच्छी की, हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा लड़खड़ाई थी भारतीय टीम, लेकिन उसके बाद पकड़ मजबूत बना ली और गेंदबाजी में भी यहां पर अच्छा प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया। डोमिनेट किया है, बिल्कुल डोमिनेट किया, वन साइडेड मुकाबला है, 68 रन पर पूरी टीम को अलाउट कर दिया गया और उसके बाद भले ही हमारे 3 विकेट चले गए थे लेकिन पैनिक सिचुएशन नहीं आई थी। आप देखिए क्रिकेट के अंदर में जब T20 मुकाबला खेला जाता है तो पहले जो 5 से 7 ओवर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और भारतीय टीम की अगर आप गेंदबाजी देखेंगी एक भी ऐसा आपको स्पेल नहीं मिलेगा, या मैं ये बोलूंगा कि पावर प्ले से ले पहले पावर प्ले से लेकर दूसरे पावर प्ले तक कहीं भी भारतीय जो गेंदबाज थे उन्होंने इंग्लिश टीम को मौका ही नहीं दिया सेटल होने का। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो है मैं बोलूंगा जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं वैसे इंग्लिश टीम के जो है बल्लेबाज वो पवेलियन लौट रहे थे। दूसरी तरफ जब भारतीय टीम की बैटिंग आई तब तभी भी आप वहां पर देखेंगे, मैं ये जरूर है कि शुरुआती आपको 3 झटके जरूर लगे थे लेकिन टीम को कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास स्कोर बोर्ड पे जो है लक्ष्य जो है वो इतना बड़ा नहीं है और उसको हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। भले ही जो हमारी स्टार परफॉर्मर्स जो श्वेता है जिनसे अभी हमने देखा कि वो उनके परिवार वाले क्या कुछ कह रहे थे, वो देखिए श्वेता भले ही आउट हो गई, शेफाली भले ही आउट हो गई लेकिन उसके बाद भी हमारे पास इतना डीप जो है बैटिंग जो स्ट्रेंथ है उसने यहाँ पर करके दिखाया और इस मैच को आसानी से अपने नाम कर लिया, 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया। ओवरऑल अगर आप इस मुकाबले को देखेंगी तो ऐसे बहुत सारे नए यंग टैलेंट आपको देखने को मिलेंगे जो आगे आने वाले वक्त में नेशनल टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। साथ ही साथ देखिए ये टीम के अंदर में जैसे अब आपकी मैं बोलूंगा कि इसे ऋचा घोष है वो इससे पहले भी जो है विमेंस टीम की जो सीनियर जो टीम है उसके सदस्य रह चुकी है, शेफाली हैं वो ऑलरेडी उनके पास जो है सीनियर टीम का अनुभव है, तो ये कहीं ना कहीं जो अनुभव है वो जो यंग टैलेंट है उसके साथ जब ड्रेसिंग रूम में बैठता है तो ये बहुत काम आता है, वो अपनी टिप्स अपने अनुभव जो है वो उनको बताते हैं और कहीं ना कहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेफाली की जो बातें थी उससे साफ झलक रहा था कि ये टीम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और कहीं ना कहीं ये मानकर चल रही है कि इस मुकाबले को हम जरूर जीतेंगे और वैसा ही इस टीम ने किया भी। यहां से एक नए इंडियन विमेंस क्रिकेट की शुरुआत हो रही है, स्पेशली जो अंडर 19 की जो लड़कियां हैं जब वो आपको देखिए सिलेक्शन कमेटी में भी अब काफी बदलाव होने वाले विमेंस क्रिकेट के अंदर में, तो कहीं ना कहीं ये जो परफॉर्मेंस है आगे आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होगी और यहां से एक नए युग की शुरुआत हो रही है। मैं तो कहूंगा कि हम लंबे अरसे से जो है एक ICC की ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे और ये वो पहला मौका था जब हमारे पास ये उम्मीद थी कि हम यहां तक पहुंच चुके हैं तो शायद हम वो कारनामा कर सके और आखिरकार आज वो दिन आया जब इन हमारी लड़कियों ने हमारी जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं उन्होंने देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया।